हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो हब। आप सभी देख रहे हैं इन्फो हब चैनल। सो गाइस, पहली तो ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। काफ़ी लोग वीडियोस तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक भी करें वीडियो पर, और अपने फ्रेंड्स में जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा। जो भी फीस बकाया होने पर 98 कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया रोकी। फीस जमा होने पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा फीस जमा न करने वाले 98 कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इन कॉलेजों की 15.94 करोड़ से अधिक फीस बकाया है। फीस जमा करने के बाद ही छात्र छात्राओं का प्रवेश संबंधित कॉलेज ले सकेंगे। विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रण ओम प्रकाश की ओर से बकाया फीस वाले कॉलेजों की सूची प्रवेश समिति के समन्वयक प्रोफेसर प्रताप सिंह को सौंप दी गई है। प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रवेश प्रक्रिया खोलने के लिए 288 स्थायी संवृत्ता वाले कॉलेज की सूची सीटों का ब्यूरो के साथ उपलब्ध कराई थी। बकाया फीस वाली सूची में जिन कॉलेजों का नाम शामिल है उन्हें छोड़कर बाकी कॉलेजों को छात्र छात्राओं को प्रवेश लेने के लिए लॉगिन आईडी खोल दी गई है। अभी अस्थायी संवृत्ता वाले कॉलेज की सीटें का ब्यूरो प्रवेश समिति को नहीं मिला है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया नहीं खोली गई है। सीटों का ब्यूरो मिलने का इंतजार किया जा रहा है। तो जिन कॉलेजों की फीस यूनिवर्सिटी को जमा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस कॉलेज की आप लोगों कॉलेज जिसमें भी आप पढ़ रहे हो उनसे पूछो, अगर आपका रिजल्ट नहीं खुल रहा है या फिर फीस जमा नहीं है तो फीस की बोलो, उनसे जल्दी जमा कराएं। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है वहाँ पर, तो सीधा मतलब उसका यही है कि आपके कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा नहीं करी। वो फालतू की बातों में बताते रहते हैं ये हो गया वो हो गया, और सीधी बात ये है कि उन लोगों ने आपकी फ़ीस जमा नहीं करी। तो उनसे कहें कि जल्दी जल्दी फ़ीस जमा करें।